खबरों की माने तो रिसेंटली कंगना रनौत की बर्थडे पार्टी पर आमिर खान ने फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स का मजाक बनाया। सोर्सेज की माने तो इस पार्टी के दौरान आमिर खान खुद बॉम्बे वेलवेट के एक प्रोड्यूसर के पास पहुंचे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी सरप्राइज रह गए। खबरों की माने तो श्रद्धा कपूर आजकल विद्या बालन के साथ काफी बॉन्ड कर रही है। सोर्सेज की माने तो विद्या बालन ने श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर के रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी है और विद्या इस बात से काफी खुश हैं कि आदित्य श्रद्धा जैसी एक अच्छी लड़की को डेट कर रहे हैं। करण जौहर के चैट शो के करण सीजन में शाहरुख खान नहीं आएंगे, ये अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। करण जौहर के चैट शो का ये पहला ऐसा सीजन होगा जब शाहरुख उनके गेस्ट नहीं बनेंगे और शाहरुख के इस शो में शामिल न हो पाने के पीछे उनके बिजी स्केड्यूल को वजह बताई जा रही है। लेकिन कई लोग शाहरुख के इस शो से एब्सेंट रहने को करण जौहर और शाहरुख की दोस्ती में आए बदलाव के रूप में देख रहे हैं। खबरों की माने तो फिल्म रागिनी MMS 2 के डायरेक्टर भूषण पटेल ने अभी से अपनी नेक्स्ट फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। भूषण पटेल ने इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को साइन किया है। भूषण पटेल इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द केरला में शुरू कर सकते हैं और भूषण पटेल को पूरा भरोसा है कि रागिनी MMS 2 की तरह ये फिल्म भी ऑडियंस को पसंद आएगी। एक्ट्रेस सोनम कपूर आजकल एक नए घर की तलाश में है। दरअसल सोनम कपूर अब इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है और यही वजह है कि अपने डैड से मिली परमिशन के बाद वो एक नए घर की तलाश कर रही है। खबरों की माने तो डॉक्यू ड्रामा फिल्म मुन्ना भाई और सल्लू भाई के मेकर्स को सलमान खान के ऑफिस ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भेजकर कहा है कि वो सलमान खान के नाम का इस तरह इस्तेमाल ना करें। दरअसल सलमान खान के बिना परमिशन दिए इस फिल्म के मेकर्स ने इस डॉक्यू ड्रामा फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी थी और अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स ने अपने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खबरों की माने तो जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती की ट्रेलर को खुद आमिर खान लॉन्च करने जा रहे हैं। यही नहीं, आमिर खान एक खास इवेंट पर टाइगर को मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम आपको बता दें, आमिर जैकी श्रॉफ के काफी अच्छे दोस्त हैं और ऐसी खबरें आई थी कि आमिर टाइगर श्रॉफ के साथ अपनी होम प्रोडक्शन में एक फिल्म बना सकते हैं। खबरों की माने तो बॉलीवुड दीवार रेखा ने सोनम कपूर और उनकी सिस्टर रिया कपूर से फिल्म खूबसूरत की फर्स्ट रफ एडिट देखने की डिमांड की है। हम आपको बता दें, ये फिल्म रेखा की 80s में रिलीज हुई फिल्म खूबसूरत का रीमेक है। नरगिस फाखरी इन दिनों वरुण धवन की तारीफ करते नहीं थक रही हैं। नरगिस सेज दैट वरुण इज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड शी फील्स फ्री विद हिम। नरगिस ने ये भी कहा कि वो जब भी गलतियां करती हैं तो वरुण उनको ठीक भी करते हैं। फिल्म मैं तेरा हीरो में अनुपम खेर कटरीना कैफ का मजाक उड़ाते दिखाई देंगे। बता दें, अनुपम वुड बी मेकिंग फन ऑफ कटरीनाज हिंदी। डायरेक्टर डेविड धवन डिफेंड्स इट बाय सेइंग दैट इट्स ऑल इन ह्यूमर एंड ही हैज नो इंटेंशंस टू ऑफेंड एनीवन। सलमान खान को हिट एंड रन केस में मिली राहत। द ट्रायल हैज बीन अडजर्न टिल द 8th ऑफ अप्रैल एज द विटनेसेस हैव फेल्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। द फर्स्ट ऑफ द 3 विटनेसेस इज द ओनर ऑफ अ ड्राई क्लीनिंग शॉप व्हाइल द अदर 2 आर पंच विटनेसेस दैट फेल्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। सलमान रिसेंटली नजर आए थे फिल्म ओ तेरी की स्क्रीनिंग पर। सलमान खान फिल्म देखने के बाद बन गए हैं पुलकित सम्राट के फैन। अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पुलकित की तारीफ की एंड ही आल्सो रोट दैट ही लाइक द वे द फिल्म हैज बीन रिटन। रागिनी MMS 2 के बाद सनी लियोनी अपने इस रोल से इतनी प्रभावित हैं दैट शी विशेस टू बी अ पार्ट ऑफ रागिनी MMS 3। सनी ने कहा कि अगर इस फिल्म का तीसरा भाग बनता है तो छोटा सा ही रोल क्यों ना हो, वो इसका हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की फेक इल हेल्थ से जुड़ी खबरों पर खुद लेजेंडरी सिंगर ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनकी हेल्थ से जुड़ी बातें जो उड़ाई जा रही हैं वो सब गलत हैं। शी आल्सो रोट दैट हर हेल्थ इज परफेक्टली फाइन।